जुड़ते हैं दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी से। जी सुबोध, बताएं, आज जैसे कि खबर आई थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई थी और काफी कड़ी मशक्कत के बाद, लगभग 5 से 6 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर यह भी सामने थी कि एक थिनर का टैंकर था जिसमें ये ब्लास्ट हुआ था। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए मधु जी, बड़ी बात है कि ये जो लाइट इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई का है ना, यहाँ 500 से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा कि 500 से ज्यादा वैध अवैध फैक्ट्रियां संचालित हैं। कुछ फैक्ट्रियों तो भिलाई इस्पात संयंत्र पर निर्भर हैं और कुछ फैक्ट्रियां स्वयं मटेरियल, रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं दिगर जिलों से, दिगर राज्यों से, और यहां से पॉलिश मटेरियल बनाकर उसे कहीं और निर्यात कर देती हैं, बेच देती हैं। तो इसी कड़ी में यहां पे बताया जा रहा है कि 20 वैध और बाकी अवैध तेल बनाने वाली कंपनियां हैं। जैसा कि थिनर जैसा तेल बनाया जाता है, थिनर ऑयल, जो कि तरह तरह के केमिकल के साथ मिलाकर बनाया जाता है और ऑयल के साथ इसे मिलाकर दीवारों में पोता जाता है। एक बड़ी बात है कि जो बीती रात जो आग लगी थी वह एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी जेएमडी प्लांट की। जेएमडी प्लांट अपने कहीं और जो प्लांट था उसे बंद करके और यहाँ पर रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहा था और साथ ही थिनर बनाने का काम भी उसके मजदूरों के द्वारा किया जा रहा था। इसी दरमियान वहां पे आग लग जाती है और आग की लपटें हाई टेंशन लाइन तक पहुंचती है और हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से टैंकर में आग लग जाता है। एक बड़ा सा टैंकर जो वहीं पर थिनर के लिए जो रॉ मटेरियल लेके आया था उसमें आग लग जाती है और इसी दौरान यह आग इतना भयावह रूप ले लेती है, इतना भयानक रूप ले लेती है कि पूरा का पूरा थिनर प्लांट जो कि गोडाउन के रूप में भी उपयोग किया जा रहा था, जहां पर हजारों गैलन भरे थे, हजारों टंकियां थी, गैस की टंकियां थी, वह उन सभी में विस्फोट होने लगता है और एक बड़ी आग का रूप वो ले लेता है और उस आग की चपेट में, उस आग के लपटों की चपेट में आसपास का इलाका भी आने लगता है, दूसरी फैक्ट्रियां जो पड़ोस की हैं वो भी आने लगती हैं। वो तो गनीमत है कि मौके पर दमकल गाड़ी पहुंच जाती है। 5:30-6 बजे लगी आग की सूचना उन्हें देर से लगती है लेकिन वो समय रहते वहां पहुंचती है और जामुल पुलिस टीम भी वहां पहुंचती है, तमाम जिला पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचते हैं और सबसे पहले आसपास के इलाकों को खाली कराया जाता है, रहवासी इलाकों को खाली कराने के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लग जाती है और इस तरीके से करीब 5 से 6 घंटों से भी अधिक घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जाता है। बताया जा रहा है कि जो एमडी प्लांट है उसे 6 से 7 करोड़ रुपए के से भी ज्यादा के नुकसान की संभावना है और एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब यह मामला सामने आया है, ठीक पिछले साल भी इसी तरह से केमिकल प्लांट में आग लगा था, तब उसके बाद भी अब तक जिला प्रशासन नहीं चेता है कि इस इलाके में एक अग्निशमन विभाग का दस्ता हमेशा के लिए तैनात कर दिया जाए ताकि ऐसे किसी भी घड़ी में जब भीषण आग लगती है तो तत्काल फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंचे और न केवल उद्योगों बल्कि जनहानि से भी लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। बड़ी बात है, इस पर काफी प्रयास और कवायद करने की जरूरत है जिला प्रशासन के अधिकारियों को। दूसरी बड़ी बात है मधु जी, ये जिस तरीके से लगता है आने वाले समय में दुर्ग जिले में जो खेती का रकबा है ना वह कम होने वाला है क्योंकि रिसाली नगर पालिका निगम बन गया, उसके बाद नगर पंचायत भी अगर धीरे धीरे नगर पालिका में बदलते जा रहे हैं और जो वहां की जो खेती की जमीनें हैं वह प्लॉट में तब्दील हो रही हैं, जो किसान है वो अधिक पैसों की लालच में खेतों को बेच रहे हैं और प्लॉट कटिंग लगातार जारी है, भू माफिया वहां पर हावी है। बड़ी बात है कि जो कार्यवाही होती है वो कोहका कुरुद भिलाई निगम क्षेत्र में होती है, वहीं रिसाली नगर निगम और पाटन से लगे इलाकों पे ऐसी कोई भी कार्यवाही देखने को नहीं मिलती। शायद भू माफियाओं की सेटिंग जिला प्रशासन के अधिकारियों से हो चुकी है, यही वजह है कि वहां अब खेती की जमीनें प्लॉट में तब्दील होती जा रही हैं और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि ऐसी संभावना है कि फसलों को भी नुकसान इन प्लॉटों के बनने से होगा। जहां कभी खड़ी हरी हरियाली भरी खड़ी फसलें होती थी वहां अब कॉन्क्रीट की फसल देखने को मिलेगी। तीसरा एक बड़ा मैटर है मधु जी, की बात करें दुर्ग नगर निगम की ओर से डोर टू डोर टैक्स कलेक्शन के लिए स्पैरो कंपनी जो है स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मौका दिया गया था 2022 से तक उसे 2017 से 2022 तक की अनुमति थी 5 साल की और एक्सटेंशन में चल रहा था। अंततः बड़ी शिकायतों के बाद और लापरवाहियों के बाद अब उस स्पैरो कंपनी की छुट्टी नगर पालिका निगम प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि टैक्स वसूली में घोर लापरवाही देखने को मिली थी, इसी वजह से लगातार शिकायतों के बाद अब उसकी छुट्टी कर दी गई है। अब उसकी जगह निगम के कुछ अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है और सॉफ्टवेयर को भी अलग करके बनाया जा रहा है ताकि निगम के अधिकारी उसे सही तरीके से समझ सकें और टैक्स का कलेक्शन यानी कि तरह तरह के करों का कलेक्शन सामान्य रूप से निर्बाध गति से
चलता रहे। मधु जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध।